हेलो एवरीवन, सो गाइस आज हम करने वाले हैं स्मोकी आई मेकअप, जो है हमारी सॉफ्ट स्मोकी आई मेकअप। और ये है रिसेप्शन ब्राइड और इनका मेकअप करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लुक। और अभी हम करते हैं वीडियो स्टार्ट, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले सीटीएम करने के बाद फिर से हम ऐसे ही कंसीलर लगा देंगे। समर्स का टाइम चल रहा है तो हम अभी लगा रहे हैं इनको। करेक्टिंग जो कर रहे हैं, जो कंसीलर लगा रहे हैं वो मैं फिर से डर्मा का ही लगा रही हूँ। तो आज मैं आपको ना साथ साथ में नाम बताते जाऊँगी और मेंशन भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए होंगे प्रोडक्ट तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये मैंने डर्मा का जो करेक्टर लगाया, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फिर मैंने फॉरएवर 52 की दो फाउंडेशन ली है, इनको मिक्स करके इनके फेस पर मैंने अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने सारे ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने एप्सी की सेटिंग स्प्रे ली है और फाउंडेशन को अच्छे से मतलब सेटिंग स्प्रे कर दी और उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। सेटिंग्स पे हमें बार बार अप्लाई करने चाहिए। अब हम ले रहे हैं डर्मा का कंसीलर और ये हम लगाएंगे हाईलाइट एरिया पे, यहाँ पे हम लगाते हैं। और ये डर्मा के जो प्रोडक्ट हैं ये समर्स में मैक्सिमम यूज़ होते हैं, समर्स के लिए ही हैं क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और मैट फिनिश देते हैं। यहाँ पे मैं अभी करूँगी 16 यूज़, जो मैंने ये लिया है अर्थ रिदम का। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल में मिल जाता है और बहुत ही अच्छा 16 है, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद हम कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कम्पैक्ट पाउडर कर रही हूँ यूज़ फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर। और ये जिनकी जो टोन होती है वार्म अंडर टोन होती है उन पे बनाना लूज पाउडर यूज़ करना है। जो कूल अंडर टोन होती है तो आप देखेंगे दो टोन्स आती हैं, एक तो पिंकिश में आती है, एक येलोइश में आती है। तो हमारी इंडियन टोन्स मैक्सिमम वार्म अंडर टोन होती है, तो ऑल ओवर फेस पर मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से हटा दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी फैशन कलर का कंटोरिंग यूज़। ये पाउडर कंटोरिंग है, आप याद रखना जब भी आपकी ऑयली स्किन होती है तो पाउडर प्रोडक्ट भी होते हैं मैक्सिमम वही यूज़ करना, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो ऑयल है वो कंट्रोल में रहता है और मेकअप जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है।
कंटूर के साथ साथ भी मैंने ब्लश कर दिया है, और इसके साथ साथ में ये ब्लश पैलेट भी है, और मैं अभी कर रही हूँ हाईलाइटर यूज़। तो आप देख सकते हो इसी का हाईलाइटर मैंने यू है यूज़ किया हुआ है एप्सी का, क्योंकि इसके अंदर हाईलाइटर्स भी हैं और कंटूरिंग भी है और ये भी है ब्लश भी है। तो ये तीनों चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी पैलेट से मिल जाती हैं। और उसके बाद आप हाईलाइटर देख रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इसकी जो हाईलाइट करता है ना ये बहुत ही मतलब इनहेंस बहुत ही ज़्यादा करता है। तो आप देख सकते हो खुद भी। तो अभी हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। मैंने यहाँ पे लिया है लॉरियल का कंसीलर। आई मेकअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेस में, क्योंकि सबको पसंद यही होता है। तो आप इसको ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, क्योंकि आई मेकअप भी बहुत ही मेन है, ठीक है। तो हमने लॉरियल का कंसीलर यूज़ करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और उसके बाद ब्लेंडिंग के बाद हम कोई भी लाइट शेड लेंगे। सबसे पहले हमें, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया कि जब भी हमें स्टार्ट करना है मेकअप तो लाइट शेड यूज़ करना है। तो मैं लाइट शेड मतलब जैसे कंपैक्ट पाउडर का शेड होता है, आप देख स्किन टोन होती है जो, हम वैसा ही शेड लेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड, बिल्कुल लाइट ब्राउन, और धीरे धीरे ब्राउन की तरफ आती जाऊँगी, ब्राउन लाइट फिर डार्क फिर डार्क, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीन पिक किए हैं शेड। तो पहले मैंने लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया, जो हम कंटूर करते हैं उसी में लाइट शेड आता है वो, और मैंने यहाँ पे एफसी की पैलेट ली, आई शेडो पैलेट बहुत ही अच्छी है। फिर मैंने क्या किया, मरून और ब्राउन दोनों मिक्स करके इनको आईलिड पे यूज़ किया हुआ है और अच्छे से ब्लेंड किया है। फ्लैट ब्रश के साथ हम लगाएंगे और फ्लफी ब्रश के साथ हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मैंने पिक किया है ब्लैक कलर, उसके बाद इसी ब्रश के साथ इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और आप भी देखिए, अगर यही मेकअप आपको करना है तो बहुत इजी भी है, लेकिन आपको एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए आप देखते जाइए, सॉफ्ट स्मोकी आई मेकअप है, और ये जैसे एक आपने देखा होगा स्मोकी आई मेकअप में बिल्कुल ब्लैक सी आईज़ होती हैं, इसमें आपको बिल्कुल ब्लैक नहीं दिखेंगी, लेकिन नेचुरल सी ब्लैक और बहुत ही अच्छी क्रीज जो होती है हमारी आई में आती है। फिर हमने फ्लफी ब्रश के साथ इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने मेबलिन का जेल आईलाइनर लिया है, और उससे मैंने अच्छे से इसको जो आईलाइनर वाला एरिया होता है वहाँ पे लगा के इसको अच्छे से स्मज कर दिया है आई शेडो के साथ। उसके बाद मैंने लिया है इस इधर आईलाइनर शिमर वाला, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एप्सी का ही एक, सॉरी ये है रिकॉर्ड का आईलाइनर, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी क्रीज है। और उसके बाद मैंने एप्सी की आई शेडो पैलेट, सॉरी आईब्रो पैलेट ली हुई है, उसी से मैंने इसको फिल किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कलर बार की ब्राउन लिपस्टिक ली है और थोड़ा सा ऐड किया डार्क ब्राउन और मिक्स करके इसको अप्लाई कर दिया है। एंड देन फाइनली हमारा मेकअप हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और लिप कलर के बाद हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे पैक की, और उसके बाद हमारा मेकअप हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा मेकअप। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जल्दी आ जाएगी, एंड बाय बाय।
meet you on the dance floor. Can you meet me on the dance floor?